नमस्कार नमस्कार, अर्पित सोन प्रणाम, प्रज्ञा जी गुड मॉर्निंग, रोहित सोनकुशरे जी प्रणाम, विनोद सूर्यवंशी जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब देखिए वहाँ पे भी आपको दिखेगा बच्चे आए हुए हैं या अभी आ रहे ऊपर, उधर भी है। आजाद गुड मॉर्निंग, सुनिधि यादव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज के दिन छोड़ के और दो दिन और कुछ तो बड़ा होगा इंडिया में। साइन जो है कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे, जो सिंबल रहता है जैसे मैंने कहा, वो हमारे दिल्ली से आए हुए दोस्त वो जो सिम्टम था आखिरी साइन की हो चुका। अब चुटकी बजने का टाइम है। कितना देर हुआ पता है? तुर्की का भूकंप कितनी देर हुआ? सत्तर सेकंड एक मिनट दस सेकंड 70 सेकंड में तुर्की की दुनिया 58 शहर 58 शहर निस्त नबूद हो गए। तुर्की की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 15 से 15 करोड़ है, सोच में 140 करोड़। हर एक शहर में 25-25 लाख है, औरंगाबाद में 25 लाख, जालने में 12 लाख, परभणी में 10 लाख, यूपी में 33 लाख, अपने उत्तर लखनऊ में 33 लाख, सूरत में 38 लाख, हैदराबाद में 1.5 करोड़, मुंबई 1 करोड़। सोचो मैंने कहा तांडव है ये, प्यार से नहीं होगा ये, तुम्हारे ऊपर नहीं आई है इसलिए तुमको उसकी इंटेंसिटी नहीं समझ में।
जब आएगी, जब फटेगी, तब एक नाम याद जरूर आएगा, डॉक्टर विलास जगदाड़े। 6 महीने से समझा रहा हूँ, प्रिपेयर करके रखो। 4 दिन का अपना चावल अनाज भर के रखो डोर के पास। अगर तुम मेरे जैसे औरंगाबाद सिटी में रहते हो और तुम्हारे खुद का गांव पास में है, अपने गांव में हाथ से पीसने वाली रेडी रखो। मेरा घर, मैं मेरा खुद का घर है, सिंगल फ्लोर, खुद का बंगलो है मेरा, मेरे पापा का है, जॉइंट फैमिली हूँ मैं। तो मुझे ये नहीं है कि मैं ऊपर 5वें 6वें माले में रहता हूँ और भागते भागते मुझे नीचे आना है, अर्थक्वेक आएगा। अगर अर्थक्वेक आता है और तुम लोग अगर ऊपर से नीचे भागते भागते नहीं आ पा रहे हो, तो आपका जो टेबल है, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ है, सारे कांच के टेबल के नीचे छुपेंगे। जो भी आपका लकड़ी का सामान है, या फिर आपका डाइनिंग टेबल है, या फिर आपका कंप्यूटर का टेबल है, या फिर बेड है आपका, या फिर आपका किचन का जो रहता है, हमारे यहाँ पे मार्बल बनता है, तो इसके उसके नीचे, यानी कल आप उसके में मर ना जाए, कम से कम उस टेबल के नीचे जाके छुप जाए, वो किचन के ट्रॉली के नीचे जाके छुप जाएंगे, दब जाएगा में आपका। कम से कम 3-4 दिन अगर जिंदा रह गए तो सरकार तो निकाल पाएगी। तो लेवल पे भाग के ग्राउंड लेवल पे आना है, और अगले से 8 घंटे फिर बिल्डिंग में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आफ्टर शॉक जो है वो चलते रहते हैं। 7.8 का जो हुआ तुर्की में, उसके बाद में 7.5 का हुआ दो एक घंटा आधे घंटे बाद, और उसके 1 घंटे बाद 1.5 का भी हुआ। तो अर्थक्वेक हो गए तो कम से कम 6 से 8 घंटे फिर से बिल्डिंग में नहीं जाना है। हो सके कहीं बाजू वाले खेत में इसमें अपनी व्यवस्था करके रखे। सरकार के भरोसे मत बैठो, सरकार किसी की नहीं होती है, उनके संगों की नहीं होती है, तुम्हारी क्या होगी? तो उसका क्या, वो 8,000 करोड़ का प्लेन में बैठ के घूमता है, तुम्हें 800 रुपये की मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो क्या बोल रहा था, फोन आ गया बीच में दोस्त का। राशन अपना अपना 4 से हो सके तो, अगर गांव की तरफ है भर के रखिए, नहीं तो इमरजेंसी में अगर सिटी में रहते हो तो 4 से 5 दिन का एक बैग में अपना मेडिकल, बच्चों का मेडिकल, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, अडल्ट लोगों की डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की गोलियां, एक जोड़ी कपड़ा, एक साफ़ सुथरा टावल, पीने का नहीं तो मेडिकल में ड्रॉप बोल के आता है, क्योंकि पानी अगर पीने का नहीं रहा बाद में तो पोल्यूटेड वाटर से डायरिया लग सकता है, तो जाता है। एक 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 बर्तन, यह सब कौन सा रीजन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आसाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी, क्योंकि है वहाँ पे अपनी ही भाषी के लोग है, वो अपने से दूर के 1947 में है अपनी, पाकिस्तान भी, और अंडमान निकोबार की साइड। और यही बात सब टोटल रीजन के लिए भी लागू होती है, क्योंकि अगर अंडमान निकोबार में भूकंप आएगा, अगर गुजरात में, पाकिस्तान के तटवर्ती रीजन में, या फिर ईरान में अगर भूकंप आता है, सुनामी आएगी,
तो ये गणित इमरजेंसी किट का ये कोस्टल रीजन के लिए भी है, क्योंकि तुर्की में देखा गया जब अर्थक्वेक हुआ 10 फीट जो जमीन है वो नीचे धसी और 30 फीट खिसकी। यानी ये जो रूम ये 10 फीट नीचे गया और 30 फीट उस साइड चला गया, तो समुंदर 30 फीट अंदर आया। तो ये अभी इंसिडेंस तुर्की में देखा गया है। तो कोस्टल लाइन को भी समझो ये बात, पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन है ना वो इंडिया की पॉपुलेशन है, आप इस बात को समझिए। पूरे यूरोप के 135 देशों में जितने लोग रहते हैं ना उतने अकेले इंडिया में रहते हैं। अगर तुर्की में 50,000-70,000 लोग मर रहे हैं, वो भी 58 शहरों में, वो भी आंकड़ा बढ़ेगा। और आप सोचो अगर सूरत में हुआ, अगर चंडीगढ़ में हुआ, अगर दिल्ली में हुआ, अगर लखनऊ में हुआ, पटना में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जिसकी पॉपुलेशन 1-1 करोड़ 80-80 लाख 30-30 लाख है, कहाँ जाएगा वो आंकड़ा। मैंने कहा ये कर्मा का फल का टाइम है, ये तुम्हारी कर्म डेस्टिन करने वाला पीरियड है। और मैं से हम जो बने नहीं हैं, भले तुमने पनीर टिक्का लेनी है, तुमने हमें गालियाँ दी है, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब अब होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।